सेना दिवस यानी 15 जनवरी से पहले पंजाब के साथ लगते हरियाणा के फतेहाबाद जिले के बहबलपुर गांव में शहीद जवान होशियार सिंह की प्रतिमा की तोड़फोड़ का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। अज्ञात शरारती तत्वों की इस करतूत से पूरे गांव में रोष का माहौल है। शहीद के पिता ने बताया कि 23 जुलाई 2016 को उत्तराखंड के चमोदी में उनका बेटा होशियार सिंह शहीद हो गया था। 23 जुलाई को गांव में उसके सम्मान में कार्यक्रम किया जाता है और ग्रामीणों की मदद से ही शहीद की प्रतिमा लगाई गई थी। आज तोड़फोड़ के बाद पुलिस को इसकी शिकायत दी गई और इन शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लड़का शहीद होशियार सिंह है, ये 23 जुलाई 2016 को शहीद हो गया था चमोली जिले में उत्तराखंड में। तो उसका जो ये स्टेचू लगवाया पूरे गांव वालों ने सहयोग नाल लगाया था और किसी शरारती अंसर ने मतलब नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी है। तो डीएसपी साहब ने सानू जब पता चला, डीएसपी साहब ने हमारे को फ़ोन किया, रिटायरमेंट से डीएसपी, तो हम आए जहाँ तो गांव वाले आए हुए थे, तो हम देखा तो फिर सभी ने मतलब कार्रवाई करने की कोशिश करी। हमने पुलिस प्रशासन को भी बुलाया था, तो फिर अब भी हमारे को भी जल्दी जल्दी इसका न्याय मिलना चाहिए। आप पुलिस प्रशासन से या आर्मी से क्या अनुरोध करना चाहोगे? हम तो यही सोचते हैं भी जल्दी जल्दी भी उसको इसको न्याय मिलना चाहिए हमारे को, भी इसकी जल्दी जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। की नाम है जी? चरणजीत सिंह। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक को भी दी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन शरारती तत्वों को काबू कर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये ऐसा था जी, 2016 में सरदार होशियार सिंह शहीद हो गया था उत्तराखंड में। उसका ये स्टैचू उसकी यादगारी गेट बाबा प्रीतम सिंह के लागे लाया सी। जो कल सानू पता लगा, कल शामी 4 बजे सरदार कुलदीप सिंह DSP ने दसिया, सारा नगर इकट्ठा होया तो पता लगा कि खंडित होया तो अपमान किया गया, जो कि ये इट्टा मारिया गई, एक गोडे के निशान पे, एक राइफल तोड़न की जमें कोशिश होती है, वो इट वज के खेंदी हुई अगे चल गई आ। तो असी SP साहब ना साड़ी गल हुई सी, उन्हें आश्वासन दिता पूरी ज्यादा सहयोग का। उस तो बाद चौंकी वाले हस्पताल वाले आए आ, वो देख के गए आ। साड़ी प्रशासन को यही हाथ जोड़ के बेनती है भी जेडे कार्रवाई की उन्होंने जल्द तो जल्द सलाखा के पिछे किया जाए। नहीं तुसी कार्रवाई पुलिस तो करवा लगवा रहे हो, क्योंकि आर्मी तरफों भी कोई करवा लग रहे हो जी? असं यही चाहते हैं भी उच्च स्तरीय आवे, सही ढंग नाल दी जांच हो जाए, जेडे बंदे वो पछाण करके उन्होंने सज़ा मिल जाए। सोनू कोई ये उत्ते किसी को शक है जी, किसी प्रकार का कोई? नहीं शक नहीं सानू जी, पुलिस साहब के एंगल ना वेखे भी क्यों होया 26 जनवरी मद्देनजर रखते हैं कोई शरारत हुई है या किस तरह की शरारत है। की नाम है थोड़ा? मेरा नाम दलविंदर सिंह, पिंड बैबलपुर। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर मौके पर मुआयना किया गया है, जहां शहीद की प्रतिमा का शीशा टूटा मिला है और प्रतिमा पर भी ईंट पत्थरों से हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन शरारती तत्वों को खोज लिया जाएगा। जी बैबलपुर गांव बस स्टैंड के ऊपर एक शहीद होशियार सिंह की मूर्ति लगी हुई है, स्टैचू लगा हुआ है, उसके ऊपर शीशे का कवर था, वो कवर टूटा हुआ है, जिसके बारे में हमारे को कल सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर चली गई और उच्च अधिकारियों की हमने नॉलेज में डाल दिया, लेकिन इस बार में अभी तक रिटर्न में अभी तक भी कोई कंप्लेंट हमारे पास नहीं है। जैसे ही रिटर्न में कंप्लेंट हमारे को प्राप्त होगी, निम्नानुसार जो कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई हमारे लाएंगे। बात करें तो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस भी नजदीक आ रहा है और वहीं 15 जनवरी को सेना दिवस है। ऐसे में शरारती तत्वों की ये करतूत बेहद शर्मनाक है। देखना होगा आखिर कब तक ये शरारती तत्व पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। फतेहाबाद से राजेश भांबू, सत्य खबर। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।